हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर ब्रेन। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट सेक्स फॉर्म्स इन कुकुरबिट वेजिटेबल्स। कुकुरबिट वेजिटेबल्स में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म्स पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ कुकुरबिट मोनोशिस होते हैं, कुछ डायोशिस होते हैं, कुछ एंड्रोमोनोशिस होते हैं, कुछ आपके एंड्रोगाइनस होते हैं, कुछ आपके गाइनोएंड्रस होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म्स पाई जाती हैं कुकुरबिट्स में। और नॉलेज ऑफ सेक्स फॉर्म जो है डिफरेंट कुकुरबिट्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्स फॉर्म्स जो होती हैं कुकुरबिट्स में क्रॉस पोलेशन को फेवर करती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो नॉर्मल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है कुकुरबिट्स में, तो उसके लिए भी जो डिफरेंट सेक्स फॉर्म्स है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कुकुरबिट में। तो ये जो वीडियो है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर या जो नीट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका ICAR के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, IBPS के एग्जाम्स हैं, ADHD सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स फॉर्म्स इन कुकुरबिट्स, जैसे कि मैंने डिस्कस की कि कुकुरबिट्स में डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म पाई जाती हैं, एंड वाइड रेंज ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन अकर्स इन कुकुरबिट्स एट 20 to 25 degrees Celsius। तो कुकुरबिट्स में अगर हम बात करें तो 20 to 25 degrees Celsius की जो टेम्परेचर रेंज है उसमें डिफरेंट टाइप्स की वाइड रेंज ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन अकर्स इन कुकुरबिट्स। राइट, कुकुरबिट्स में आपको पता है कि जो सेक्स फॉर्म्स हैं दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, फोटो पीरियड, एवरीथिंग जो है वो सेक्स फॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करता है कुकुरबिट्स में। और इसके साथ साथ जो कुकुरबिट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो भी सेक्स फॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, बट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफरेंट सेक्स फॉर्म्स हैं कुकुरबिट्स में। राइट, द सेक्स एक्सप्रेशन एंड सेक्स रेशियो दे आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स व्हिच हैव मोनोशिस प्लांट। तो ये जो सेक्स एक्सप्रेशन और सेक्स रेशो होती है, मींस सेक्स रेशो मींस जो आपका मेल और फीमेल का जो रेशो है कुकुरबिट फ्लावर्स में वो कितना है, तो उसको हम कहते हैं सेक्स रेशो। राइट, तो सेक्स एक्सप्रेशन और सेक्स रेशो ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कुकुरबिट्स में, पर्टिकुलरली जो मोनोशिस कुकुरबिट होते हैं, जहाँ पे हमें अरे एक मेल फ्लावर पे कितने फीमेल फ्लावर आ रहे हैं या एक फीमेल फ्लावर पे कितने मेल फ्लावर आ रहे हैं। राइट, जनरली अगर हम बात करें जो मोस्टली जो फर्स्ट 4 to 6 फ्लावरिंग नोड्स होती है उसमें आपके मेल फ्लावर देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें भी फेजेस में आते हैं, पहले मेल फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, फिर फीमेल फ्लावर आएंगे और उसके बाद थोड़ा मिक्स आते हैं, मेल और फीमेल कम्बिनेशन में आते हैं। राइट, तो जो फर्स्ट 4 to 6 फ्लावरिंग नोड्स होती हैं कुकुरबिट्स में, तो वहां पे आपको मेनली मेल फ्लावर देखने को मिलेंगे। राइट, हाउएवर ओनली फीमेल फ्लावर बियर्स फ्रूट, बट जबकि फ्रूट कौन से फ्लावर में होगा, सिर्फ फीमेल फ्लावर में आपका फ्रूटिंग होगा। इसका मतलब अगर मेल ही फ्लावर ज्यादा आ रहे हैं तो वो हमारे लिए आइडियल प्लांट नहीं है। तो इसलिए जो आइडियल वैरायटी होगी वो कौन सी होगी, द वन विच इज हैविंग हाई फीमेल टू मेल रेशियो। तो जहां पे फीमेल टू मेल रेशियो ज्यादा होगी, मींस कि फीमेल फ्लावर नंबर ज्यादा होंगे, वो आइडियल वैरायटी होगी। जहां पे मेल टू फीमेल रेशियो ज्यादा होगी वो हमारी आइडियल वैरायटी नहीं है, क्योंकि अगर मेल फ्लावर ज्यादा है तो आपके फ्रूट सेट कम होगा, क्योंकि फ्रूट तो आपका फीमेल फ्लावर पे आएगा, आपकी यील्ड कम होगी। तो इसलिए हमें फीमेल टू मेल रेशियो ज्यादा चाहिए, मतलब फीमेल फ्लावर ज्यादा चाहिए हमें एज कम्पेयर टू मेल फ्लावर, तो ऐसे प्लांट्स हमें चाहिए। तो ऐसी आइडियल वैरायटी हमें बनाने की जरूरत है। राइट, ओके, मेजोरिटी ऑफ द कुकुरबिट्स आर मोनोशियस, जो मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स जो है वो मोनोशियस है नेचर में। राइट, एंड द सेक्स रेशियो जो मेल टू फीमेल है, राइट, दैट रेंजेस फ्रॉम 25:30:1 to 15:1। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जनरली जो कुकुरबिट्स में सेक्स रेशियो वेरी करती है मेल टू फीमेल है ये। राइट, 25:30:1 to 15:1 वेरी करती है। राइट, इसका मतलब कि मोर नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स आते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू फीमेल फ्लावर। बट इस अगर हम इस रेशियो को देखें तो इसमें जो आइडियल इकोनॉमिक रेशियो कौन सी होगी, तो दैट इज 15:1 होगा। राइट, कि यहाँ पे मेल फ्लावर जो है वो कम आ रहे हैं। राइट, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल फ्लावर बहुत ज्यादा है, तो मेल टू फीमेल रेशियो जो है जनरली वेरी करती है 25:30:1 to 15:1। राइट, और कुकुरबिट्स में फ्लारिंग कब स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मली 40 to 45 days आफ्टर सोइंग के बाद कुकुरबिट्स में फ्लारिंग आपकी शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन कैसा है वहां का। राइट, अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की सेक्स फॉर्म्स कौन कौन सी है कुकुरबिट्स में। तो जो मोस्ट प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म है कुकुरबिट्स में हर्माफ्रोडाइट है, फिर उससे आपकी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सेक्स फॉर्म्स इवॉल्व हुई है। राइट, तो हर्माफ्रोडाइट फर्स्ट इज हर्माफ्रोडाइट सेक्स फॉर्म। तो हर्माफ्रोडाइट जो सेक्स फॉर्म है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म है, जहां पे क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके आते हैं, परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं या मोनोक्लिनस फ्लावर भी बोलते हैं इसको हम, मींस कि जहां पे आपके एक ही फ्लावर में
दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मतलब स्टेमन्स भी होंगे और पिस्टिल भी होंगे। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं परफेक्ट फ्लावर, या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, या बाइसेक्सुअल फ्लावर, या मोनोक्लिनस फ्लावर। तो इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, राइट। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो पर्टिकुलरली जो सतपुतिया कल्टीवार है, राइट, सतपुतिया कल्टीवार जो है आपका रिज गॉड में, राइट, इसके साथ साथ अभी कुछ नई वैरायटीज भी डेवलप हो चुकी है जो कि हर्माफ्रोडाइट है इन नेचर में। फॉर एग्जांपल काशी खुशी है IIBR से, देन पूसा तृप्ति है IRI न्यू दिल्ली से। तो ये जो है हर्माफ्रोडाइट टाइप्स वैरायटीज हैं आपकी रिज गॉड की। और इसके अलावा कुछ लाइंस क्यूकुंबर में और मस्क मेलन में भी हमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर देखने को मिलते हैं कुछ लाइंस में, कुछ एसेशंस में, राइट। अब नेक्स्ट सेक्स फॉर्म है मोनोशियस। अब मोनोशियस सेक्स फॉर्म क्या होती है? तो ये जो मोस्ट एडवांस सेक्स फॉर्म है मोनोशियस है। तो मोस्ट एडवांस सेक्स फॉर्म अगर पूछ ले आपको तो कौन सी होगी? दैट इज मोनोशियस। अब मोनोशियस में क्या होगा? जहां पे क्या होगी, मेल मोनोशियस है, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आएंगे, राइट, एक ही प्लांट पे होंगे बट सेपरेटली होंगे, राइट। इसका मतलब कि इन विच स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स दे आर सेपरेटली प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे आपके मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी होंगे सिंगल प्लांट पे, बट सेपरेटली होंगे, राइट, अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कोक्रोविट्स, जो हमने डिस्कस भी किया था कि मेजोरिटी ऑफ द कोक्रोविट्स जो है वो मोनोशियस है नेचर में। क्यूकम्बर, बोटल गोड, बिटर गोड, वाटरमेलन, पंपकिन, एश गोड, स्पॉन्ज गोड एक्सेट्रा, तो ये सभी क्या है? मोनोशियस कोक्रोविट्स है मेनली, राइट। देन नेक्स्ट सेक्स फॉर्म है आपका एंड्रोमोनोशियस। एंड्रोमोनोशियस, एंड्रोमोनोशियस का मतलब कि एक ही प्लांट पे आपके स्टेमिनेट फ्लावर भी आएंगे और परफेक्ट फ्लावर्स भी आएंगे, मीन्स हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी आएंगे, राइट। तो इस सेक्स फॉर्म को हम बोलते हैं एंड्रोमोनोशियस सेक्स फॉर्म। स्टेमिनेट एंड परफेक्ट फ्लावर्स आर सेपरेटली प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। सिंगल प्लांट पे आपके मेल फ्लावर भी होंगे और परफेक्ट फ्लावर भी होंगे। और ये जो एंड्रोमोनोशियस सेक्स फॉर्म है तो दैट इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन मस्क मेलन में। इसका मतलब कि जो मस्क मेलन में जो प्रीडोमिनेंट सेक्स फॉर्म है दैट इज एंड्रोमोनोशियस। और ये बहुत बार पूछता है कि मस्क मेलन में प्रीडोमिनेंट सेक्स फॉर्म कौन सा है? एंड्रोमोनोशियस है, राइट। देन लॉन्ग मेलन जो होता है उसमें भी एंड्रोमोनोशियस आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं कुछ लाइंस में। देन क्यूकुंबर का एक वैरायटी है लेमन, तो लेमन कल्टीवार क्यूकुंबर जो है उसमें भी आपको एंड्रोमोनोशियस सेक्स फॉर्म देखने को मिलेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज गाइनोमोनोशियस। अब हमने पढ़ लिया एंड्रोमोनोशियस, अब ये है गाइनोमोनोशियस। तो मतलब यहाँ पे फीमेल और परफेक्ट फ्लावर होंगे एक ही प्लांट में बट सेपरेटली होंगे, अलग अलग होंगे, राइट। द पिस्टिलेट एंड परफेक्ट फ्लावर्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली ऑन द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट पे हमारे फीमेल फ्लावर भी होंगे और आपके हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी होंगे बट सेपरेटली होंगे, राइट। और ये जो गाइनोमोनोशियस सेक्स फॉर्म है ये भी हमें देखने को मिल सकती है कुछ लाइंस में, क्यूकुंबर की या रिजगोट की कुछ लाइंस में हमें देखने को मिल सकती है, राइट। देन गाइनोशियस, गाइनोशियस, अब ये जो गाइनोशियस सेक्स फॉर्म है ये बहुत ही डिजायरेबल है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं पोलियोस कंडीशन की, राइट। तो ओनली पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट। तो गाइनोशियस मतलब सिर्फ आपके फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस होंगे प्लांट्स पे। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक भी हुआ क्योंकि फीमेल फ्लावर ही आपका फ्रूट सेट करता है, राइट। अब कुछ गाइनोशियस लाइंस जो हैं वो डेवलप की गई हैं, जैसे कि आपकी ब्रीडिंग लाइंस बनाई गई हैं, गाइनोशियस क्यूकुंबर में भी हैं, आपकी मस्क मेलन में भी हैं और बिटर गॉड में भी गाइनोशियस लाइंस प्रेजेंट हैं। देन एंड्रोशियस, अब एंड्रोशियस मींस सिर्फ आपके मेल वाले फ्लावर प्रेजेंट होंगे प्लांट में, मींस ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट, राइट। तो एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर ही प्रोड्यूस होंगे एंड्रोशियस। और ये भी एंड्रोशियस आपकी लाइंस कुछ मिल सकती हैं आपको पॉइंटेड गॉड में, क्यूकुंबर में एंड मस्क मेलन में, कुछ एसेशंस में कुछ लाइंस हैं लोकल जहां पे आपको एंड्रोशियस सेक्स फॉर्म देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट सेक्स फॉर्म है आपका गाइनो एंड्रोमोनोशियस, राइट। गाइनो भी है, एंड्रो भी है और मोनोशियस भी है। इसका मतलब कि आपका स्टेमिनेट वाले भी होंगे, पिस्टिलेट वाले भी होंगे और परफेक्ट वाले भी होंगे, राइट। और मोनोशियस है तो एक ही प्लांट पे होंगे बट अलग अलग होंगे, राइट। जिसको हम ट्राइमोनोशियस भी कहते हैं या पॉलीगैमस सेक्स फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब स्टेमिनेट, पिस्टिलेट एंड हर्माफ्रोडाइट और परफेक्ट फ्लावर्स दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट सेपरेटली, राइट। तो ये जो सेक्स फॉर्म है बहुत ही कम देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कभी कभी रेयरली इन क्यूकुंबर में ये प्रेजेंट हो सकती है, राइट। देन डायोशियस, अब ये जो डायोशियस मतलब कि अलग अलग, तो मेल फ्लावर भी अलग प्लांट पे प्रोड्यूस होंगे और आपके जो फीमेल फ्लावर है वो भी अलग प्लांट पे प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली ऑन द सेपरेट प्लांट, राइट। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं अलग प्लांट पे, सेपरेट प्लांट पे, राइट।
और ये जो डाइसिस एक्सफाओ में कौन से कोक्रिट्स में हमें देखने को मिलेगा, पॉइंटेड गोट डायोशिस होता है नेचर में, आईवी गोट आपका जिसको हम कुंदरू कहते हैं राइट, पॉइंटेड गोट परबल ये भी डायोशिस होता है नेचर में, ककरोल जिसको स्पाइन गोट कहते हैं डायोशिस इन नेचर है, स्वीट गोट, फिर क्यूकुमिस हिरसुटस, क्यूकुमिस हेप्टाडेक्टाइलस, तो ये सभी जगह डायोशिस कुकुरबिट क्रॉप्स है राइट। गाइनोडायोशिस, गाइनोडायोशिस की जब बात करते हैं इसका मतलब फीमेल और हर्माफ्रोडाइट होंगे राइट, बट सेपरेटली होंगे सेपरेट प्लांट पे। तो गाइनोडायोशिस सेक्स फॉर्म क्या हुआ, हर्माफ्रोडाइट एंड गाइनोशियस इंडिविजुअल प्लांट्स होंगे राइट। तो कुकुरबिटा फोर्टिडिशिमा जो है आपका एंड क्यूकुम्बर में कुछ लाइन जो है वो गाइनोडायोशिस हो सकती है ठीक है। तो जो गाइनोडायोशिस सेक्स फॉर्म है आपको कुकुरबिटा फोर्टिडिशिमा गाइनोडायोशिस होता है नेचर में, और आपका क्यूकुम्बर की कुछ लाइन आपकी गाइनोडायोशिस हो सकती है। ओके नेक्स्ट सेक्स फॉर्म है ट्रायोशियस, ट्रायोशियस मीन्स हर्माफ्रोडाइट भी होंगे, एंड्रोशियस मीन्स मेल फ्लावर भी होंगे, और गाइनोशियस मीन्स फीमेल फ्लावर भी होंगे, इंडिविजुअल प्लांट्स। तो अलग अलग प्लांट पे आपके हर्माफ्रोडाइट, एंड्रोशियस और गाइनोशियस आपके इंडिविजुअल प्लांट्स होंगे राइट, ट्रायोशियस जो होंगे। तो ये भी बहुत ही रेयरली प्रेजेंट है आपका। देन एंड्रोगाइनस, एंड्रोगाइनस राइट, इसका मतलब इनफ्लोरिसेंस विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स बिलो द मेल बंस। तो इनफ्लोरिसेंस में आपके मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होंगे, बट एंड्रोगाइनस तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके फीमेल वाली पोजिशन होगी वो मेल वाले से नीचे होगी, फीमेल फ्लावर्स बिलो द मेल बंस। तो एंड्रोगाइनस सेक्स फॉर्म आपको किसमें मिलेगा, क्यूकुमिस ह्यूमिफ्रैक्टस में। देन गाइनोएंड्रस, अब गाइनोएंड्रस में क्या होगा कि इन्फ्लोरेसेंस में दोनों मेल और फीमेल दोनों होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा कि जो फीमेल फ्लावर होगा उसकी जो पोजीशन होगी दैट इज अबव द मेल वंस। तो यहाँ पे फीमेल ऊपर होगा, अबव द मेल होगा, बट एंड्रोगाइनस में फीमेल जो होगा बिलो द मेल होगा राइट। और ये जो गाइनोएंड्रस सेक्स फॉर्म है ये हमें किसमें मिलेगा, क्यूकुमिस मेटुलिफेरस में राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड, बी सिंसियर ब्रेंडी, जय हिंद, थैंक यू।